तो फिर आप लोगों को ज्यादा देर तक मैं यहाँ रोकना नहीं चाहता। आप अपने कामों को भी जाना है। ये गीता कॉलोनी में रामलीला मंदिर रामलीला मैदान में जो इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में ये जो सभा आयोजन किया गया है, तो मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं को मेरा धन्यवाद है। आज पिछले 21 दिन से सामाजिक न्याय के संपर्क के साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। इसमें वो न्याय मांग रहे युवाओं के लिए, न्याय मांग रहे श्रमिक के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए और हिस्सेदारी के न्याय को पांच न्याय को लेके निकले हैं। और इतने कठिन परिस्थिति में, इतना सर्दी है और खासकर उस सर्दी इलाके में उन्होंने अपनी ये यात्रा निकाली है, इसीलिए हम तमाम लोगों के तरफ से उनको हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि पार्टी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया। शायद ही कोई नेता आज तक या कांग्रेस में हो या किसी पार्टी में हो ऐसा कदम नहीं उठाया जो राहुल गांधी ने। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और अब मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक वो जो चल रहे हैं ये किनके लिए? ये सामान्य जनता के लिए, युवाओं के लिए जो इस बीजेपी सरकार में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, हर कांग्रेस मैन में, हर कांग्रेस के लोगों में ये जोश आना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ किसी के लिए नहीं है, ये लड़ाई है देश के डेमोक्रेसी को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का ये लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में अगर आप फेल हो गए तो परमानेंटली समझो आप मोदी के गुलाम हो जाएंगे। अगर इस बीजेपी से अगर आप डट के मुकाबला नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिन हमारे नौजवानों को, महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, ओबीसी को, कर्मचारियों को, इन सबको तकलीफ होगी। अभी तकलीफ हो रही है लेकिन और भी तकलीफ होगी कि ये फिर इस देश के जनता को मोदी जी गुलामी में डालेंगे। ये इनका इरादा है, हमेशा यही बात करते हैं। और कोई भी इस देश में इतने सब स्कूल्स बने, कॉलेज बने, वो हमेशा ये कहते हैं कि ये मैंने स्कूल इतने बनाया, मैंने कॉलेज इतने बनाया, मैंने रेल के डिब्बे इतने बनाया, रास्ता इतने बनाया,
कोर कितने बनाया, सब बोलते हैं अरे बाबा ये सब कुछ अभी हुआ है, 10 साल में ही हुआ है। आपकी जो गारंटी कहाँ है? अब तो मोदी की गारंटी बोल के हर पेपर में आता है, देखे नहीं? उनकी गारंटी क्या है मालूम? नहीं मैं उनकी गारंटी ये है जो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वायदा था, 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो कहाँ है गारंटी? तो ये नहीं देना यही गारंटी है। और उन्होंने कहा मैं ये कांग्रेस वाले देश लूटते काला धन भार है, मैं पूरा लाके एक एक को 15-15 लाख ये कहा या नहीं कहा? नहीं दिया। फिर ये झूठ है क्या सच है? तो झूठ कौन हो गए? मोदी। फिर हम उनको झूठों का सरदार बोलना और क्या बोलना चाहिए? झूठों का सरदार। अरे एक आदमी प्रधानमंत्री किस देश के युवकों को धोखा देता है, इस देश के किसानों को धोखा देता है, महिलाओं को धोखा देता है। उनको कहता था मेरी माँ बहने चूल्हे के सामने बैठते हैं तो उनके आंखों से पानी निकलता है, ये देखकर मुझे बड़ी हैरान हो गई, इसीलिए मैं मुफ्त सिलेंडर दूंगा। सिलेंडर की कीमत तो हमारे टाइम में हमारे वक्त कितना था? 400 450 रुपए। 450। अब कितना है?